हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरेंद्र सिंह, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एट रॉयल किंग पर। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप लेबर कार्ड का भुगतान कर रहे हैं तो आपके सामने एक इशू आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस रिकॉर्ड के लिए अनिवार्य संलग्न नहीं किए गए हैं, इस तरह का आपके सामने एक इशू आता है और आप भुगतान नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, ये आप जानते ही होंगे, जब तक आप CSC वॉलेट से भुगतान नहीं करेंगे तब तक आपका लेबर कार्ड सत्यापित नहीं हो पाएगा और आपको लेबर कार्ड का कोई भी लाभ नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आप इस एरर को कैसे दूर कर सकते हैं। अगर आप भी इस एरर को दूर करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे इसी भी तरह की और भी हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसके लिए आपको ब्राउज़र ओपन कर लेना है और ब्राउज़र में digitalseva.gov.in पर क्लिक करके अपनी CSC ID को लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पर हमने अपनी CSC ID को ID पासवर्ड डाल के कैप्चा फिल करेंगे और साइन इन पर क्लिक करेंगे। साइन इन पर क्लिक करने के बाद हमारी CSC ID लॉगिन हो जाएगी। उसके बाद हमारे सामने CSC की सारी सर्विसें शो हो जाएंगी। उसके बाद हमें सीधे से सर्च बार में जाना है और टाइप करना है लेबर। लेबर टाइप करने के बाद आपके सामने लेबर कंट्रीब्यूशन का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको लेबर कंट्रीब्यूशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेबर कंट्रीब्यूशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको CSC लॉगिन करने पर क्लिक करना होगा। CSC लॉगिन करने पर क्लिक करने के बाद आपका जो लेबर कार्ड वाली साइट है वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप श्रमिक पंजीयन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लेबर कार्ड की जो भी सर्विसें हैं वो दिखाई देंगी। तो आप चाहे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर डाल के OTP भेजे पर क्लिक करेंगे। पंजीयन सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से आपके लिए दिखाई देगा भुगतान। जी हाँ दोस्तों, भुगतान, तो भुगतान वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जो भी रेफरेंस नंबर है या आवेदन संख्या उसे डालकर सर्च करेंगे तो आपके सामने सर्च तो हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद देख लीजिए, यहाँ पर ये आपका दिखाई दे रहा है भुगतान करने के लिए। उसके बाद आप पे पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, आप जितनी बार भी पे फीस पर क्लिक करेंगे, इस रिकॉर्ड के लिए अनिवार्य संलग्न नहीं किए गए हैं, इसी तरह का इशू आता रहेगा। तो इस इशू को ही कैसे दूर करेंगे हम, वही हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो अभी आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको संलग्न का एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ से आप अपना आवेदन संख्या को कॉपी कर लीजिए। उसके बाद जो संलग्न वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अपनी रेफरेंस संख्या जो है उसे एंटर करेंगे। उसके बाद सर्च पर क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद श्रमिक का नाम, उसकी फ़ोटो आपके सामने ओपन हो जाएगी। उसके बाद जो संलग्न किए गए अभिलेख का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो इसमें नीचे आपको रेड स्टार दिखाई देंगे आधार कार्ड और नियोजन प्रमाण पत्र दो पर। तो आपको बाकी सब ऑप्शन को छोड़कर आधार कार्ड की कॉपी यहाँ पर अपलोड कर देनी है। तो जिस लोकेशन में आपका आधार कार्ड होगा वहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो यहाँ से हमने आधार कार्ड की कॉपी को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नियोजन प्रमाण पत्र को भी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ये फाइल जो है JPG, JPEG, PNG में अपलोड करनी है। इसका जो साइज़ है 200 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमें सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आप सदस्य के नाम भी एंटर कर सकते हैं। यहाँ से सदस्य का जो भी विवरण है वो आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप उसका जो आवेदक के साथ संबंध है उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सबमिट एंड फीस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें फिर से सर्च पेमेंट डाटा पर क्लिक करना है। सर्च पेमेंट डाटा पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने पे फीस का ऑप्शन सो हो जाएगा। उसके बाद हमें पे फीस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। पे फीस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही ये हमें रिडायरेक्ट कर देगा CSC वॉलेट पेमेंट पर। अब इस तो दोस्तों यहाँ पर जो एरर आ रहा था अभी तक, वो एरर दूर हो चुका है। अब हम आसानी से
जो लेबर कार्ड का भुगतान है वो कर सकते हैं, शुल्क भुगतान। तो अभी हमें यहाँ पर पे पर क्लिक करना होगा। पे पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो CSC का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अभी हमें अपना CSC का जो भी लॉगिन पासवर्ड था वो पासवर्ड आपको एंटर करना होगा। तो यहाँ पर CSC का लॉगिन पासवर्ड जो है एंटर कर लेते हैं। पासवर्ड एंटर करने के बाद वैलिडेट करेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पर वॉलेट पिन जो है उसको एंटर करना है। तो आपका जो भी वॉलेट पिन है उसे एंटर कर लीजिएगा, उसके बाद पे फीस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने पेमेंट सक्सेसफुल का ऑप्शन दिखाई देगा और आपका जो पेमेंट है वो सफलतापूर्वक हो जाएगा। इस तरह से आप जो इस जो एरर आ रहा था उसको दूर कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे इसी तरह की और भी हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।